पढ़ल लिखल लइकारो बे बाटे बेरोज गार जी देशावा में माचला बाटे पूरा हाहा कार जी देशावा में माचला बाटे। अरे बचपन से पढ़नी लिखनी आशा लगाई के बाबू माई पैसा दिहले करी के किसानी से। अरे लगाता किया सापारी फिर जाई पानी जी पढ़ल लिखल लइका के सुना आजा बेका खानी जी। अभी हम एक लॉज में हैं और इस लॉज से ये दिखलाने का प्रयास आप लोगों कर रहे हैं कि कैसे एक स्टूडेंट जो होता है तैयारी करता है और तैयारी करके अपने कैरियर को बनाता है। हमारे साथ अभी लॉज में रहने वाले दिनेश यादव हैं और ये गाते भी हैं, गाना गाते हैं और साथ साथ में स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद जो है बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ा करके किसी तरीके से लॉज का खर्च उठाते हैं और अपने पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। साथ साथ इनके भाई जो छोटे वाले रहते हैं उनको भी पढ़ाई का खर्च निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके रूम में मैं हूँ, एक छोटा सा कमरा है, ये जो है 8x10 का ही कमरा होगा, शायद उससे भी छोटा होगा और इसमें एक ये फोल्डिंग है, एक टेबल है, बस और कुछ नहीं है। उधर गैस के चूल्हा है, उस पर खाना पकता है जो ये बनाते हैं। उधर बेलना चौकी रखा हुआ है, किताबें हैं और उधर तेल है जो शायद घर से लेकर के आए होंगे, बाकी और कुछ नहीं है। सबसे पहले दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया आपको भी। इधर ये भी देख लीजिए कि एक स्टूडेंट के कमरे में जब आप जाएंगे जो तैयारी करते हैं ये सब चीज़ें जो है दीवार पर सटा हुआ आपको आसानी से दिख जाएगा। इधर केमिस्ट्री के जो है पूरा लगा हुआ है, उधर भारत का नक्शा है, इधर दुनिया का नक्शा है, बाकी जो फार्मूला है वो आपको इधर दीवार पर चिपका हुआ सब चिपका हुआ मिल जाएगा। तो दिनेश आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी भैया मेरा घर नवादा जिला हुआ, गांव मेरा बुधौली हुआ। सबसे पहले CKTV इंडिया न्यूज चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं मैं सभी को नमस्कार कर रहा हूं। हालांकि मैं दिनेश को एक बार और पहले भी दिखा चुका हूं, ये गाना एक बार गाए थे बेरोजगारी के ऊपर और वो गाना को काफी लोगों ने सराहना किया, काफी लोगों ने देखा था। दिनेश को मैं फिर से दिखलाने आया हूँ वो इसलिए क्योंकि ये लड़का जो है काफी संघर्ष करके अपने जीवन में करियर बनाने में लगे हुए हैं। तो दिनेश आप पढ़ाई के साथ साथ गायकी भी करते हैं? जी जी भैया। अच्छा, तो आपका घर से कोई सहयोग मिलता है कि नहीं? जी घर से सहयोग मिलता है, मम्मी पापा का सहयोग मिलता है। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं। खेती? जी फार्मर। खेती है? जी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? अभी SSC रेलवे का, ये सब का तैयारी। जी 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 भैया। अभी तो वैकेंसी तो आया नहीं होगा रेलवे का? जी वैकेंसी तो अभी नहीं है। रेलवे की अगर बात किया जाए, अगर देखा जाए तो 5 साल में जो है एक बार वैकेंसी आता है भैया, तो क्या करेगा। पंचवर्षीय योजना के तहत हो गया है। जी जी जी, लड़का सब क्या करेगा, एकदम जस्ट लाइक पंचवर्षीय योजना जैसा ये रेलवे का वैकेंसी हो गया है कि 5 साल में एक बार आता है। जी और SSC की बात किया जाए तो वो तो आता है लेकिन देखते ही हैं बहुत कम सीट होते हैं और खास करके बिहार के जो हैं स्टूडेंट रेलवे पे बहुत आश्रित रहते हैं, वो रेलवे पे बहुत आशा रहता है उनको और रेलवे का बहाली 5 साल में आता है, बहुत परेशानी है लॉज में रहने वाले। कितना उम्र हो गया? एज लगभग वही 27-28 साल अभी एज है मेरा। 28 साल हो गया? जी जी। बताइए 24-25 साल में शादी भी हो जाता है लोगों को, 28 साल उम्र हो गया, कब जॉब होगा, कब शादी हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ है। कब शादी होगा और उसके बाद फिर घर परिवार को भी संभालना है, लेकिन ये अभी तैयारी में ही लगे हुए हैं। सोचिए जरा कि कैसा ये स्ट्रगल इनका चल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बाल उड़ गया है। तो तैयारी करते करते मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, दिनेश आप गायकी भी करते हैं? जी जी भैया, गायकी करते हैं और लिखते भी हैं। लिखते भी हैं? जी। अच्छा ये बताइए, ये तो गायकी मैं आपका सुनाऊंगा
उससे पहले थोड़ा सा और ये जान लेना चाहते हैं कि आप लॉज में रहते हैं तो इसका खर्च आप खुद भी उठाते हैं, जैसे आपने बताया था मुझे। जी भैया, हम लोग ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं, होम ट्यूशन हो गया, कोचिंग हो गया, तो उसमें भी पढ़ाते हैं, उससे कुछ पैसा आ जाता है, जिससे हम दोनों भाई यहाँ रह लेते हैं। रह लेते हैं जी एक ही कमरे में, दो भाई रहते हैं। जी भैया, इसी यही कमरा है मेरा। इसी टेबल पर बैठ कर, जी जी इसी फोल्डिंग पर सोते हैं दोनों हाँ, भाई। ये यही जो है यहाँ पे कुर्सी मेरा लगा हुआ रहता है, ये टेबल है। हाँ बहुत स्ट्रगल है। हाँ जी जी भैया, बहुत दिक्कत होता है हम लोग, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। हम लोग किसान के बच्चे हैं, हाँ हमारे पिताजी खेती करते हैं, हाँ तो आज पूरे देश में अगर देखा जाए किसान का क्या हाल है भैया, बिल्कुल। बहुत बदतर स्थिति है उनका। खास करके अगर आर्थिक स्थिति जो है उनका बहुत खराब रहता है। हमेशा अभी ही अगर देखा जाए तो देखिए, अभी पानी नहीं पड़ पानी रहा है, नहीं दिया। अगर धान नहीं होगा तो बताइए पापा कहाँ से क्या करेंगे, कैसे पैसा देंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए वाकई में बहुत एक दिक्कत साधारण है। से परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है उसको संघर्ष करने में और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ और मैं भी स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ ही रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो दिनेश, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना जो कला है वो निखारिए और दिखाइए कि आपके अंदर जो कला है, देख करके लोग काफी खुश हो जाए। जी भैया, पिछले बार तो काफी लोगों ने देखा मैं था। लयका का विद्यार्थियों के दर्द को ही हम लिखे हैं। अच्छा। सबसे पहले मैं हाँ उस विद्यार्थियों के दर्द को सुनाने का प्रयास करता हूँ, सुनाइए। मैं सुना रहा हूँ भैया। अरे पढ़ल लिखल लयका रोबे, पढ़ल अच्छा लिखल लयका रोबे, बाटे बेरोजगार जी देसावा में माचला बाटे, देसावा में माचला बाटे, पूरा हा कार जी देसावा में माचला बाटे, पूरा हा कार जी देसावा में माचला बाटे। अरे बच्चपन से पढ़नी लिखनी आशा लगाई के, बाबू माई पैसा दिहले करी के किसानी से, अरे लगाता किया सापारी फिरी जाई पानी जी, पढ़ल लिखल लयिका के सुना आजा बेका हानि जी, पढ़ल लिखल लयिका के सुना आजा बेका हानि जी, पढ़ल लिखल लयिका के सुना, वाह पढ़ल लिखल लयिका रोबे बाटे बेरोजगार जी देसावा में माचला बाटे, पूरा हा कार जी देसावा में माचला बाटे। क्या बात है। ये दर्द जो है ये विद्यार्थियों का है जो जॉब की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनका दर्द इन्होंने बयां किया। जैसे ये भी तैयारी कर रहे हैं तो ये स्थिति है। एक और गाना जो अभी तो बेरोजगारी काफी बढ़ा हुआ है, इस पर आपने सुनाया, अब महंगाई भी उतना ही बढ़ा हुआ है। बेरोजगारी तो है ही लेकिन महंगाई भी उतना ही है कि नहीं? जी तो उस भैया, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे तो सुना जी भैया, दीजिए। एकदम एकदम हाँ सुनाना ठीक है, चाहेंगे। उस पर गाना जी जी भैया, सुनाइए। अरे बढ़ल महंगाई जी अरे साइया, वाह, भैया बोलो, भैया इसको भैया बोलो। एक एक जो है, हाँ एक पत्नी अपने हाँ पति देव से कह रहे हैं, हाँ क्या कह रही है, हाँ कह रही है हाँ कि बढ़ल महंगाई जी साइया, अच्छा ताहला का देला कई मचाए,
अरे बढ़ल महंगाई जी साइया ताहला का देला कई माचाय टमाटर के भौआ के देखा होई गेलै 200 के पार टमाटर के भौआ के देखा होई गेलै 200 के पार अरे कैसन सरकार जी साइया कैसन हखिन चौकीदार कैसन सरकार जी साइया कैसन हखिन चौकीदार बढ़ल महंगाई जी साइया देला कैता हला का मचाय बढ़ल महंगाई जी साइया देला कैता हला का मचाय इतना महंगाई बढ़ गया है भैया हाँ। कि क्या करे हाँ। एक पत्नी लाचार पत्नी वो क्या हाँ। करे बेचारी बोलती हाँ। है हाँ। कुछ भी कहती है लेकिन कहने से क्या होगा बिल्कुल यहाँ तो परेशानी दिक्कत है पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पे है बेरोजगारी का तो बात ही नहीं कीजिए बेरोजगारी का तो हाल सब लोग देख रहे हैं रेलवे की बहाली की अगर बात किया जाए तो भैया 5 साल में एक बार आता है विद्यार्थी क्या करेंगे कैसे करेंगे और 5 साल में यदि एक विद्यार्थी का अगर नहीं हुआ सिलेक्शन 5 साल में एक बार यदि आया बहाली और यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा तब तक आप ही लोग बताइए कि 5 साल में विद्यार्थी क्या करेंगे कहाँ जाएंगे उनके गार्जियन क्या पैसा दे पाएंगे उनको हमारे गार्जियन जो हैं किसान हैं हम लोग किसान के बच्चे हैं बताइए कहाँ से मिलेगा हम लोग को नहीं मिल पाता है नहीं मिल पाएगा इसलिए हम सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग जरूर ध्यान दीजिए चलिए तो ये हमारे साथ दिनेश यादव हैं जिनसे भी बातचीत कर रहे थे इन्होंने काफ़ी चीज़ों को बताया और इनके बारे में मैं आपको दिखलाया ये बहुत अच्छा गाते भी हैं बाकी आप लोग को कैसा यह वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये बताइएगा कि क्या सच में बेरोजगारी है कि नहीं क्या महंगाई बढ़ा हुआ है कि नहीं और एक स्टूडेंट का जिंदगी आप लोग को कैसा लगा फिलहाल के इतना ही आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज चित्रंजन कुशवाहा के साथ नमस्कार जय हिंद जय भारत जय बिहार